सितारगंज के कुंवरपुर सिसैया गांव में NH-74 घोटाले के मामले को लेकर जांच करने आए अधिकारियों पर ग्रामीणों ने मिलीभगत का आरोप लगाया है, जहां अधिकारियों और ग्रामीणों में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। ग्रामीणों का आरोप है कि जब एनएच हाईवे का निर्माण के वक्त दोनों तरफ रोड नापकर लोगों को मुआवजा भी दे दिया गया था, लेकिन अब कुछ लोगों ने वहां दोबारा से निर्माण करा लिया है, जिनसे अधिकारी मिलकर दूसरी तरफ बसे लोगों को हटाने की प्रक्रिया बढ़ा दी गई है। कमेटी गठित की गई है, भूमि के अधिग्रहण और उसके मुआवजे को लेकर एक प्रकरण है, तो उसके लिए हमारे द्वारा उसमें आज नपत की कार्रवाई यहाँ पर की गई थी, टीम बनाई गई थी पूरी, तो उसमें कुछ अभिलेख हमें और आवश्यकता आज हुई है, तो उसके क्रम में पूरी जांच हमारी आज हो नहीं पाई। उन अभिलेखों को जिला कार्यालय से प्राप्त करने के बाद ही आगे की जांच की जाएगी। अब बाद में जो भी जांच की रिपोर्ट आएगी माननीय जिलाधिकारी महोदय को भेज दी गई जो है, उसमें लगने में धांधली हो रही थी, तो हमने तहसील प्रशासन को सूचना दी थी, तो उन्होंने आके मौके पर जांच करवाई गई। जांच में ये सब मतलब अपनी सीमा के अंदर ही लगा के, जो 19-19 मीटर पे बड़ी लाइन के बिजली के पोल हैं, जिनकी दूरी आज भी वहीं पे वो नाप ली जाए। फिर दूसरी बात, एक वो थंब पे कानूनों साहब के निशान है अभी भी, और अभी भी वो थंब अभी भी प्रेजेंट टाइम में है वहाँ पे। तो NH-74 घोटाले का ये पूरा मामला है, आपको बता दें, जिसको लेकर ग्रामीणों ने इस बात की शिकायत भी की थी, और शिकायत के बाद इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी की गई, और आला अधिकारियों का ये भी कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर मुआवजा भी दे दिया गया था, बावजूद इसके अभी भी अनियमितता की बात सामने आ रही है, और इसको लेकर ग्रामीणों और अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। सितारगंज का ये मामला है, आपको बता दें, नेशनल हाईवे 74 घोटाले का यह पूरा मामला है। अनियमितता पाए जाने पर ग्रामीणों ने इस बात की शिकायत भी की, इसके बाद इस पूरे मामले की छानबीन भी हुई। हालांकि जो आला अधिकारी हैं, वो अपने अपने तर्क देते इस मामले में नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि इसको लेकर मुआवजा भी दिया गया है, और इसी बात को लेकर जो आला अधिकारी हैं उनके और ग्रामीणों के बीच एक गर्मा गर्मी का भी माहौल देखने को मिला,